नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयदीप घोष है। मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ। रिसेंटली एक यूनिक केस हुआ, टावांग में फर्स्ट टाइम के लिए स्पाइन सर्जरी हुआ और उस टीम में मैं था एज एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट। जो सर्जरी हुआ काफ़ी अच्छे से हो गया और थैंक्स टू डॉक्टर मगु, जिन्होंने जिनके कारण से ये चीज़ हो पाया। और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर प्रेमा खांडू सर, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने ये जो हमारा ये काम को सराहा है। उन्होंने फेसबुक में भी पोस्ट डाला है, इस काम को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। और मैं आभारी हूँ अरुणाचल के प्रदेश के लोगों के लिए और जो तवांग के लोगों के लिए, मैं आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे इतना हॉस्पिटलिटी, इतना वार्मथ दिखाया। थैंक यू। टुडे के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को नमस्कार। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे तवांग में कल एक इतिहास रचा है। हमारे अपोलो हॉस्पिटल गुवाहाटी से डॉक्टर जयदीप घोष कल गुवाहाटी से आए हैं तवांग में और उन्होंने यहां पर तवांग में पहली बार एक बहुत ही क्रिटिकल स्पाइन का जो सर्जरी है वो तवांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खांडू डोवा जामो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग में पहली दफ़ा किया है। तो आज हम फेस टू फेस हैं हमारे डॉक्टर जयदीप घोष के साथ। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे इस स्टूडियो न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयदीप घोष है। मैं अपोलो हॉस्पिटल गुवाहाटी से हूँ एंड मैं सभी जो तवांग के लोगों हैं, जो प्यार मिला मेरे को इधर उधर से और जो सेटअप देखा, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल। तो सर, जो कल का ऑपरेशन हुआ है सर, वो तवांग के इतिहास में पहली बार सर एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ है। तो उसमें सर, जो ऑपरेशन का जो क्रिटिकलिटी है सर, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए और हमारे तवांग में किस तरह के इक्विपमेंट्स सर वहाँ पे उस फायदेमंद साबित हुए हैं सर। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपका बहुत अच्छा बना हुआ है और डॉक्टर मगु जो है तो इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि वो सारा चीज़ों को और नया नया सर्जरी वो लाने को कोशिश कर रहा है नया नया। ही इज़ वेरी एंथुजियास्टिक। उन्होंने काफ़ी अच्छे जगह से ट्रेनिंग किया, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स ऑफ इंडिया में, हाँ, दैट इज पीजीआई चंडीगढ़। उन्होंने एमबीबीएस जिपमर से किया, सो तो काफ़ी नॉलेजेबल है। लेकिन क्या कि ऐसा चीज़ को ऐसा फटक से स्टार्ट करना मुश्किल होता है स्पाइन सर्जरी। ये पर्टिकुलरली था डॉर्सल स्पाइन में, D6 D7, यानी आपका ऊपरी पीठ के बीच, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल एरिया होता है। हमें सब कुछ पहले से प्लान करना था कि मशीन वगैरह सब कुछ चेक करना था, पोजीशन वगैरह चेक करना था। सो जो बहुत बढ़िया टीम था, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टीम थे, जो एनएसएस, ही वाज आल्सो वेरी गुड। तो सो ये एक वो है कि आगे जाके और भी केसेस हो पाएंगे ऐसा, और मैं आशा करता हूँ एक टाइम के बाद यहाँ पर खुद ब खुद कोई बाहर से स्पेशलिस्ट नहीं आना पड़ेगा, खुद ब खुद यहाँ पर सर्जरी ऐसा क्रिटिकल सर्जरी करवाया जा सकता है। तो सर, चूँकि सर आप तो हमारे अरुणाचल के नहीं है, तो सर आप गुवाहाटी में एक बहुत ही नामी माने जाने डॉक्टर हैं सर। तो सर, आपको यहाँ तवांग में सर इन्विटेशन किसने दिया है और सर आपको यहाँ पे जो हमारे मेडिकल का टीम है, हमारे डीएमओ सर, उनके तरफ से और उनकी जो टीम है उनका सर सपोर्ट कैसा मिला सर आपको? सपोर्ट तो बहुत ही बढ़िया मिला। डॉक्टर मगु तो हमारे साथ ही, हमने पहचान है क्योंकि कॉन्फ्रेंस वगैरह में मिलते हैं तो पहचानता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक पेशेंट है तो वही तो लॉजिस्टिक्स जो सेटअप करना कि सामान आएगा, एक साथ में टेक्नीशियन आएगा वो करेगा किस तरीके से, तो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। डॉक्टर मगु ने बहुत अच्छा से किया, जो एनएसएस थे, जो डीएमएस थे, जो एमएस थे, काफ़ी उन्होंने कोऑपरेट किया। होपफुली इस तरह से आगे और सर्जरीज होते रहेंगे।
सर, तो आपने जो अपना कीमती वक्त देख के सर हमारे तवांग के एक पेशेंट का जो एक तवांग के इतिहास में पहली दफा एक सर्जरी किया है उसके लिए सर मैं पूरे तवांग वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। और चूंकि सर आज आप वापस गुवाहाटी के लिए निकल रहे हैं तो सर मैं जाते जाते आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो ई स्टूडियो के जो दर्शक हैं, जो तवांग की जनता है, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, ये मेडिकल जो सिस्टम बनता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा आप यहाँ पर तसल्ली रखो, आप यहाँ के डॉक्टर्स को सपोर्ट दो। कभी कोई क्रिटिकल केसेस है तो वो ही भेज देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा इनको सपोर्ट दो तो उस तरीके से आगे और अच्छा होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया है, इसको और भी बेहतर हो जाएगा शायद। तो लेट्स होप एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव आई रिसीव्ड इन तवांग। थैंक यू थैंक यू सर।